ताली के साथ में सभी लोग ताली बजाएंगे। हाथ ऊपर, बहुत अच्छे। भावना रखते हुए सभी के दुखों को मिटाने के लिए हमारे बीच में दिल्ली पधारे हैं परम पूज्य राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा। भाग्यशालियों, गुरुदेव के बारे में तो मैं जितना कहूं शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि कृष्णगिरि धाम जहां गुरुदेव निरंतर रूप से विराजमान रहते हैं और कई वर्षों तक जहां पर साधना की है, ऐसा पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तमिलनाडु कृष्णगिरि, और कृष्णगिरि में 40-40 वर्षों से कोई भक्त ऐसा परेशान होता होता हर जगह भटका, लेकिन उसको कहीं समाधान नहीं मिला, कहीं उसको मार्ग नहीं मिला, कहीं उसको रास्ता नहीं मिला, लेकिन जब वो कृष्णगिरि धाम आया और वहां पर ये श्रावण मास था और उस श्रावण मास में एक महीने रहते हुए 40 वर्षों से परेशान पीड़ित भक्त एक ही पल में सुख शांति और समृद्धि और तंत्र मुक्त होकर वहां से मुस्कुराते हुए निकला और उसने प्रत्यक्ष रूप से उन संपूर्ण जनमेदनी के बीच, हजारों लोगों के बीच में उसने खड़े होकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं ऐसी कोई जगह नहीं जहां हिंदुस्तान के कोने कोने नहीं भटका, लेकिन आपके सानिध्य में आते ही मेरी ये परेशानी खत्म हो गई। लोगों ने आज पार्थिव शिवलिंग बनाया, वो सब हाथ ऊंचा करो। आप सब भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली हो। 1,11,11,111 पार्थिव शिवलिंग इस पवित्र प्रांगण में निर्मित हो रहे हैं। इसी समय कोई कहीं बैठ के दुखी हो रहा है, इसी समय आप दुख मुक्ति के लिए प्रभु के दरबार में बैठे हो। भगवान बोल रहे हैं, तेरे दिन अच्छे हैं, इसीलिए तू मेरे पास आया है, वरना तू कहीं और भटकता। इस दरबार में पहुंच गया है तू, तेरा पुण्य बड़ा भारी है बेटा। ये लोग बोलते हैं तो कोई एक को नहीं आता। बोल बेटा। जी गुरुदेव। कुछ न हो प्रेत, आपने दुनिया में कहीं देखे होंगे मंत्र तंत्रवादी भूत निकालते हैं, ये वो दरबार है। बड़े से बड़े चुड़ैल लगे हुए को ले आओ, हाथ लगाना भी नहीं पड़ेगा, स्टाम्प पेपर पर लिख के सब दस्तखत करके दूंगा, खाली बैठने मात्र से ही वो भाग जाएगा। तंत्र तंत्र मंत्र टोटका हो, वो स्वयं भागेगा। आपके ऊपर कुछ, आपको लगता किसी को कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया चीज परेशान कर रहा है, ऐसे आपको लग रहा हो, वो हाथ ऊंचा करो कि हमको ऐसे लग रहा है कि हमारे ऊपर कुछ किया कराया है। दरबार की भक्ति आपको पूर्ण रूप से बंधन मुक्त कर देगा, गारंटी है। रक्षाबंधी कला 116 कलाओं में होती है। आपको मालूम नहीं है कि रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन ही क्यों होती है। लीला कला 16 कलाएं हैं, लीला कला, संपदा कला, यश कला, कीर्ति कला,
जब वो कलाएं निकलती है उस प्रकार से पृथ्वी के लोगों पर असर पड़ता है। श्रावण की पूर्णिमा पर चंद्र से एक कला निकलती है, उस कला का काम है धरती के लोगों की रक्षा करना। उस दिन बहन क्यों भाई को रक्षा कवच बांधती है? क्योंकि बहन का शरीर ईडा नाड़ी से चलता है, भाई का शरीर पिंगला नाड़ी से। जब ईडा नाड़ी वाले पिंगला नाड़ी वालों को रक्षा कवच बनाते हैं तो ईडा पिंगला के संयोजन से पूर्ण रक्षा का बलय बन जाता है। जय गुरुदेव। लेकिन यहाँ मैं ईडा पिंगला दोनों नाड़ी खुला हुआ सुषुम्ना नाड़ी के अंदर पहुंचा हुआ साधु बैठा हूँ, तो मैंने सोचा है कि इस रक्षा बंधन में दिल्ली में एक बहुत बड़ी क्रांति करेंगे। सनातन धर्म की मंत्रों की शक्ति से हम रक्षा करेंगे स्वयं का। रक्षा बंधन के दिन शाम को एक घंटा आपको यहाँ उपस्थित होने जितना समय हो, तो मैं गोमती चक्रों से बना हुआ, गोमती चक्र वो चीज है जो समुद्र में स्वयं रेखांकित होके बनता है, और शास्त्र में पृथ्वी में प्राकृतिक रक्षा कवच गोमती चक्र को ही बोला, तो पांच गोमती चक्रों से बना हुआ दिव्य रक्षा कवच को नौ देवताओं के रक्षा विभिन्न कवचों से पाठ करके सिद्ध करके आप सबको वो रक्षा कवच के साथ गोमती चक्र वाला सैकड़ों रुपयों लगे हुए रक्षा कवच चावल कुमकुम पूजा सामग्री से पूरी पूजा करके भगवान के सानिध्य में मेरे निश्रा में यहाँ पूर्ण सिद्ध करके आपको वो कवच बांध दिया जाएगा। जो पहले कुछ तकलीफ हो तो वो तो निकलेगा, आगे से तकलीफ ही नहीं आए ऐसी रक्षा हो जाएगी जीवन में। ऐसे रक्षा कवच किसको करना है तो एक घंटा शाम को देना पड़ेगा। रक्षा के दिन में शाम को नहीं, कथा के समय में। उतनी ताकत मेरे धर्म में है, बोलो सनातन धर्म की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। चलो अब हम आज गणपति महाराज से शुरू करते हैं। आज चारु भक्षितम् उमासुतम् शोक विनाश कारणम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। बुद्धि के स्वामी, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, शुभ और लाभ के स्वामी महागणपति देवता हम पर कृपा करें और भोलेनाथ की कृपा हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। आपके माता पिता सुखी देखना चाहते हैं तो माता पिता के भी माता पिता जगत पिता और जगत माता, क्या आपको दुखी देखना चाहते होंगे? फिर आप दुखी कैसे? आप बोल रहे हो हर बात में हाथ उठाते हो, उदारी किसको है वो हाथ उठाता है, बीमारी किसको है वो हाथ उठाता है, दुखी कौन है वो हाथ उठाता है, तो कहां आई ये गड़बड़ी? इसको जानना पड़ेगा कि नहीं? कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। भगवान तो नहीं चाहते होंगे कि आप दुखी हो, चाहते होंगे क्या बहनों? बताओ बहनों, भगवान चाहते होंगे फिर भी आप दुखी हो? तो पैर में अपन ने खुद से कुल्हाड़ी मारी होगी कि किसी ने मारा होगा? आप ये पहले बताओ। मेरे साथ घूमते रहो तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे घूमे जैसे मत बैठो, ये घूमों का दरबार। भजले भजले मैया का Yeah।
आज एक चीज आपको समझा दूं, आपके जीवन में हर व्यक्ति जितने बैठे हो, या तो अच्छे रिश्ते के लिए तरसते हैं, अच्छी पत्नी अच्छे पति के लिए तरसते हैं, धन के लिए तरसते हैं, कोई ना कोई वस्तु के लिए तरसते हैं, तरस सब में है, हाँ या ना बोलो, कोई ना कोई तरस है। ये तरस कोई भी हो, आपको एक बात बताऊं, ये सूर्य रोशनी जब पड़ती है धरती पर तो हर प्रकार के पौधे खिलते हैं, क्या सूर्य रोशनी से किसी एक प्रकार का ही पौधा खिलता है? आप बताओ, हर प्रकार के पौधे। अपने शरीर को व्यवस्थित क्यों करो? अभी एक आदमी बैठ के रो रहा था, मैं पूछा क्यों रो रहा है? मेरी रेडियो खराब है महाराज, मैं जो सुनने जाता हूँ वो उल्टा सुनाता है। अरे तुझे तो सुना दे, तू क्या सुनता है? उसमें न्यूज आ रहा है, न्यूज में कोई समाचार सुना रहा है। अरे आ रहा है, फिर क्यों चिंता करता? नहीं महाराज, मुझे गाना सुनना है, ये रेडियो गाना नहीं सुनाता है। अच्छा ऐसा है, देखो तो। अरे गाना भी सुनेगा? नहीं नहीं सुनेगा महाराज, इसमें नहीं सुनता है। अरे इसके बटन घुमाने पड़ते बेटा, इसमें स्टेशन बदलेगा तो ही गाना सुनेगा। अच्छा महाराज, बटन घुमाना पड़ता है क्या? मुझे तो पता नहीं, मैं रेडियो को ऐसे लेके बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ यही सुनता रहता हूँ रोज। उसमें आता है कि 48 लोग मर गए, बस नीचे गिर गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, दिमाग ही खराब हो गया, कभी गाना ही नहीं आया। रेडियो की गलती नहीं रे बेटा, तो बटन घुमाना नहीं जानता था इसलिए स्टेशन नहीं बदला। तेरा ये काम, आपको ये शरीर रूपी रेडियो मिला, ये रेडियो ही है आपका शरीर। जिस दिन ट्यून कर लोगे इसको, आप जो चाहो मिलेगा। अभी रॉन्ग स्टेशन में ये आपका रेडियो लगा हुआ है, यही तकलीफ। कई बार जाके दुनिया को सुधारने मत जाओ, किसी को पूछने मत जाओ। मैं आपको एकदम तैयार कर दूंगा 55 दिन में कि ये ट्यूनिंग कैसे होता है। शिव की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, शंकर जी ने उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। आज दक्षिण के कुंभकोणम, तंजावुर ऐसी जगहों में आओ, लाखों मंदिरों में शिव मंदिर में, या उत्तर भारत में शिव मंदिर में शिव भगवती गणेश जी कार्तिकेय नंदी, ये पांच ही होते हैं। दक्षिण में आओ तो ये 63 भक्तों की मूर्तियां हर मंदिर में होती है, क्योंकि इन 63 भक्तों के भक्तों की गुरु माना जाता है। कभी आप तंजावुर कुंभकोणम आए हुए कोई लोग हो तो वहां देख सकते हैं, हर मंदिर में 63 की मूर्ति की पूजा होती है। ऐसे कैसे भक्त हो गए? शंकर जी ने स्वयं एक मंत्री के सपने में जाके बोला कि इन 63 की कथाओं का संकलन करो। तब सपने में वो मंत्री पूछा कि इस कथा का क्या ऐसी महिमा है? तो शंकर जी ने सपने में उस मंत्री को कहा, वो मंत्री का नाम था शेखिलार, अरुणमोली राजा था जो मंत्री बना, वही शेखिलार हुए जो ये पूरी कथाओं का संकलन किया। शंकर जी ने उनको ये समझाया कि इन कथाओं को जो सुनता है वो सुनने वाले के भक्त का भी मैं नौकर बन जाता हूँ, इतनी महिमा है मेरे भक्तों की इन कथा। हाथ में धनुष बाण लेके शिकारी के वेश, अर्जुन को लगा कि ये कोई शिकारी इधर घूम रहा है। शिकारी मेरे तपस्या को भंग मत कर, चल उस तरफ जा। भगवान ने एक कोई जंगली सुअर को भगाने के बहाने घड़ी घड़ी उसके चारों तरफ घूमने लगे। भगवान ने हंसते हुए कहा कि मुझे ये सुअर को मारना है, तू ही मार दे तो मैं यहाँ जल्दी निकल जाऊं। तो अर्जुन बहुत कोशिश करता है, वो जंगली सुअर को मार नहीं पाए, तब समझ गए कि कोई दिव्य आत्मा है। उस समय भगवान शंकर अर्जुन के सामने प्रकट होकर आशीर्वाद देते कहते हैं, तेरी तपस्या से प्रसन्न होके मैं शंकर ही शिकारी के रूप में आया हूँ, लेकिन तूने मुझे देख के शिकारी बोला तो इस जाति अभिमान के कारण तुझे अगले जन्म में शिकारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ले मैं पाशुपतास्त्र तुझे देता हूँ। भगवान पशुपति ने अपना अस्त्र पाशुपतास्त्र दिया, उसी को लेकर अर्जुन महाभारत में विजयी हुए, ये कथा है। अब कालहस्ती के इस आज आंध्र प्रदेश में है ये जगह, पहले तमिलनाडु में था। इस जगह में
एक शिकारी जन्मा जो अर्जुन थे, पहले क्या थे, फिर वो अभी शिकारी बने, भगवान ने कहा तू शिकारी बनेगा, उसका नाम था तिन्ना, क्या था बोलो, ये परम भागवतों का नाम है, बोलो तिन्ना। एक दिन वो ज्योति के आकर्षण से पहाड़ पर चढ़ गया, भयानक पहाड़, भयानक जंगल, इसको लगा इधर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन सोचा ये मुझे खींच रहा है, मैं जाऊं। ऊपर जाता है, तिन्ना देखता है कि एक शिवलिंग रखा हुआ है, क्या रखा है, इसको शिवलिंग यानी क्या मालूम नहीं है, कभी शिवलिंग देखा नहीं है अपने जीवन में। इतने में पहाड़ पर एक ब्राह्मण आते हैं, वो ब्राह्मण आके शिवलिंग की अभिषेक पूजा करते हैं, पूजा करके पुष्प चढ़ा के नैवेद्य वगैरह ब्राह्मण चढ़ा रहे हैं, तो उनके नैवेद्य चढ़ा के पूजा करते देखता है तो इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसको मालूम नहीं कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, मैंने कभी ये चीज देखी नहीं, इस पर इतना प्रेम क्यों आ रहा, पूर्व जन्म की वो लगन, ये शिकारी ने कभी शिवलिंग देखा ही नहीं, मैं भी देखो कोई जैन संत के रूप में दीक्षा लिया, जैन घर में जन्म हुआ, ओंकारेश्वर की तरफ जा रहा था, बेहोशी हुई, बेहोशी में एक ही 20 मिनट के अंदर पूर्व जन्म में मेरे की हुई साधनाएं, शिव शक्ति उनकी कृपा, मेरे पूर्व जन्म में विंध्याचल में मैं किस जगह बैठ के गंगा तट पर साधना करता था वो सब दिखने लगा, एक क्षण में मेरा मन शंकर जी पर लग गया। वो पुराने जन्मों का बंधन छोड़ नहीं सकता किसी को, वो खींचता है कोई भी हो के। इतना पूर्व जन्म का वो लगन अर्जुन बन के शंकर की जितनी भक्ति की इस जन्म में मगर शिव शंकर को जाने ही श्रद्धा जग गई। अब पंडित रोज पुष्प लाके चढ़ा के पूजा करते, वो सुनता है ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शचिचेकराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खड्गांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिवनिष्ठाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय ृगवाणे नम बम कैलासवासिने नम बम कवचिने नम बम कठोराय नम बम त्रिपुरांतकाय नम बम ऋषंगिने नम बम ऋषभारूढ़ाय नम बम भस्मोन्मूलित विग्रहाय नम बम सामप्रियाय नम बम स्वरमयाय नम बम त्रयीमूर्तये नम बम मणीश्वराय नम बम सर्वज्ञाय नम बम परमात्मने नम बम सोम सूर्याग्निलोचनाय नम बम हविषे नम बम यज्ञमयाय नम बम सोमाय नम बम पंचभक्त्राय नम बम सदाशिवाय नम बम विश्वेश्वराय नम इसने अभिषेक का दूध चढ़ाया, मैं क्या करूं, इसने सोचा कि मैं भी कुछ चढ़ाऊंगा, मेरे पास कोई दूध नहीं है, जल बल नहीं है, क्या फर्क पड़ा, मेरे मुंह में थूक तो भरा हुआ है, मैं थूकूंगा, अच्छे से थूकूंगा इस शिवलिंग पर और मैं वो चढ़ा के पूजा करूंगा। बाद में ये पंडित जी ने तो प्रसाद चढ़ाया, मैं क्या करूंगा, मैं प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगा। तुरंत तिन्ना ने सोचा ये तीर और धनुष किस लिए है, किस काम का है, तुरंत आकाश में जाते किसी पक्षी को मारा और उसके मांस को निकाला, बोला मैं ये चढ़ाऊंगा, इसका तुरंत अभिषेक करूंगा। अब उधर शिवलिंग पर खड़ा हो गया, मुंह के पानी से थूक थूक के अभिषेक कर रहा, जो पक्षी मारी थी उसका मांस लाके शिवलिंग पर डाल दिया, बोलता है मुझे तो यही पूजा मालूम पड़ती है, मुझे तो यही समझ है, स्वीकार कर लो, तुम्हारा नाम भी मुझे पता नहीं है लेकिन तुमको देखो तो प्यार उमड़ रहा है। घर पहुंच
अगले दिन पंडित जी सुबह उठ के देखते हैं, पूजा के लिए जाते हैं तो शिवलिंग पर मांस गिरा हुआ है, खून पड़ा हुआ, कोई थूक के गया है। जी जी जी, हे प्रभु अपराध अपराध, प्रभु अपराध, आप पर किसने ये अपराध किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, किसने ऐसी दुराचार की। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽभियावया स्मरेत् सांबमीशानं च भाग्याभ्यां तदसुचि। श्री शिव शंकर का नाम लेके सभी चीजों को शुद्ध किया जाता है, उस मंत्र से अब शिव जी का ही शुद्धि करने लगे पंडित। क्या करें, शुद्धि करना पड़ेगा, अब शुद्धि करें। इधर वो शुद्धि करके पूजा करके जाए, वापस रोज आके देखे तो रोज मांस मिलता है, खून मिलता है, दुख मिलता है, दिन्ना अपना प्यार छोड़ नहीं पा रहा है, पंडित जी अपना शास्त्र छोड़ नहीं पा रहे। विंशतितमे त्रयोविंशतितमे पंचविंशतितमे सप्तविंशतितमे, पंडित जी बोल रहे हैं ये रोज सुन सुन के आदत पड़ा, अभी इसके मुंह से कहां संस्कृति आए। तो ये चौ 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 करते करते ठूक रहा, पंडित जी को पीछे से गुस्सा आ रहा है, नालायक को सबक सिखा दूं, लेकिन देखूं दो मिनट ये करता क्या है, इसको देख तो लो। आज भी कालहस्ती जाओ मंदिर में, मंदिर के पास ही ये पहाड़ दिखता है, मंदिर को लगते ही जिस पर ये कहानी हुई है वो पहाड़ वही दिखता है। ये 63 महापुरुषों में ये तिन्ना एक हुए, इनकी बात सुनिए आप। अब जैसे ही ये थूक के मांस चढ़ा के चौंचो चौंचो कर रहे हैं, देखेंगे शिवलिंग में लगे हुए दो आंखों में से एक को खून आ रहा है। क्या आ रहा है, शिवलिंग में दो आंख लगे हुए हैं, एक में से खून आ रहा है। पंडित जी देख के अवाक हो गए कि खून कैसे आ रहा है शिवलिंग के आंख से, जरूर ये पापी ने पाप क्रिया किया है, दुराचार किया, इसलिए भगवान के हाथ से खून आ रहा। पंडित जी के हाथ पैर खोल रहे हैं, लेकिन तिन्ना का शरीर हिल गया। प्रभु आपके आंख में खून आ रहा है, आपके आंख में खून, आपको क्या हुआ, आपको रोग लग गया, आपको तकलीफ हो गई, मैं कैसे करूं प्रभु, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप मेरे दिल हो, आप मेरे प्राण हो, आप मेरे प्यार हो, आप मेरे सब कुछ हो, आपको तकलीफ नहीं आना चाहिए प्रभु। अभी शांत हुआ, आप ठीक हो गए प्रभु, मेरा आंख गया ना, जाने दो, ऐसे हजार आंख आपको निचोवर हो, मेरा हजार प्राण आपको निचोवर हो, आप खुश होना चाहिए प्रभु, मुझे तो ये चाहिए, आप खुश होना। अब इतने में देख रहे हैं कि दूसरे आंख में खून निकलने लगा, इतना को लगा प्रभु आपके दूसरे आंख में भी रोग लग गया है, उधर भी खून आ रहा है, मेरा दूसरा आंख निकाल तो दूंगा, लेकिन फिर मैं कहां कैसे देख पाऊंगा कि कहां लगाना है, मुझे दिखेगा नहीं, मैं किस जगह लगाऊंगा, इसलिए एक काम करूं प्रभु, मेरे चप्पल वाला पैर है ना, वो पैर आपके खून वाले आंख पर निशाना लगा लेता हूं, ताकि मालूम पड़ जाए कि यही आंख लगाना। अपना पैर चप्पल पहना हुआ उठा के शिवलिंग के दूसरे आंख पर लगा दी। पंडित देख रहे हैं पापी महापापी अपना चरण शिवलिंग पर लगा रहा है, तिन्ना ने अपना पैर का चप्पल से अपना अंगूठा आंख पर लगा लिया, ताकि जब दूसरा आंख उखाड़ दो और आंख नहीं दिखे उस समय में भी प्रभु को व्यवस्थित में आंख लगा पाऊं। तिन्ना कहता है मेरे दो आंख तो क्या प्रभु, अगर शरीर में रोम रोम में आंख होता तो आपको लगा देता, है तो दो आंख, आपके भी तो दो ही तो आंख है, मैं लगा दूंगा। दूसरा आंख उखाड़ा और जहां निशाना किया वहां लगाया। पंडित देखता रह गया कि इस शिकारी का, जिसको न पूजा आता है न वेद मंत्र, ये शिवलिंग का नाम तक नहीं जानता है, मांस और खून से अपवित्र पूजा करने वाले का अंतर दिल इतना पवित्र और प्रेम से भरा है, अपने दोनों आंख उखाड़ के भगवान के जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले तो तिन्ना को नहीं देखा, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आगे आओ, छुपे क्यों हो, मैं वो शंकर हूँ, वो भोला हूँ, जिसको आपके वेद मंत्रों और शास्त्रों की नहीं, अंतर दिल से निकली हुई प्यार की इच्छा कहती है, मैं वो शंकर हूँ जिसको शास्त्र और नित्य पूजा का
ज्ञान नहीं, दिल से पुकारा हुआ आवाज का तरस रहे। इसने देखो अपने दोनों हाथ मुझे लगा दिए। इस संसार में प्रेम करने वाले बहुत हुए होंगे, मैं शंकर संपूर्ण विश्व के सामने ऐलान करता हूँ, ये तिन्ना जो आंख दिया, आंख को तमिल में कण बोलते हैं, कण, तो उधर इनका नाम कण्णप्पा हुआ। क्या नाम हुआ? ये 63 वो भक्तों में हुए। आज तक शिव जी ने 63 लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। 63 में एक हुए, शंकर जी ने बोला कि तू 63 में एक भक्त बनेगा, तेरी कहानी और तेरा नाम सुनने वालों का दुख दरिद्र निश्चित नष्ट हो जाएगा। मैं तिन्ना को क्षमा भी करता हूँ, वो वरदान भी देता हूँ कि दक्षिण भारत में जितने मंदिर होंगे सब मंदिर में इस तिन्ना की मूर्ति होगी, गुरु के रूप में इसकी पूजा होगी। दक्षिण न मंत्र जानू न तंत्र न योग जानू न ध्यान, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सर्वेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है, मैं बस इतना मानता हूँ, ये हो गई भक्ति। उससे ज्यादा कुछ करने, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने में भक्ति पूरी हो गई। दिल समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? दिल समर्पित। मेरी नाथ पागल सामने आया हुआ सभी संकट नष्ट हो जाएगा, ये विशिष्ट शिव तंत्र में बताया गया मंत्र। इसमें शिव तंत्र में है, शिव तंत्र कहता नमः शिवाय नहीं, नमः शिवय करो, नमः शिवय, एक मात्रा अधिक होने से उसमें न्यूनाधिक का फर्क आता, नमः शिवय, नमः शिवय पंचाक्षरी है। क्या है? नमः शिवय। क्या बोलना? आपको लगे कि ये आदमी मुझसे परेशान कर रहा है, घर में बच्चे कहना नहीं सुन रहे, कितने लोगों के बच्चे तो दिल्ली में ऐसे ही होते होंगे, मनमानी करते होंगे। शिव वशीकरण मंत्र है, शिव शब्द से ही वशी हुआ, वशी से ही वशीकरण, हम बोलते हैं ना कि इसको वश में कर लिया, ये वशीकरण हो गया, आप ऐसे बोलते होंगे नहीं। शिव को उल्टा करो, क्या होता है? शिव को उल्टा करो, वशीकरण ही उसी से आया। दुनिया के सभी चीज शिव नाम से वश में होते हैं। किससे होते हैं? शिव नाम से। हाँ, शिव नाम से सभी चीज वश में हो, शिव को उल्टा करो वही वश में, तो वो वशीकरण। शिवय वशी, शिवय वशी, क्या बोलना? हाँ, शिवय वशी, शिवय वशी। शंकर जी शिव तंत्र में पार्वती माँ को बोलते हैं, पार्वती जो शिवय वशी बोलता है वो दुनिया के सभी चीजों को 84 लाख जीवी जीवों को तो वश में करता ही है, वो मुझे भी अपने वश में कर लेता है, शिव उनके वश में होता है, स्वयं शिव को वश में कर लेता है। ये मन भगवान को वैसे भी भक्तों के वश में है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, भक्त है इसके प्राण
Love.